हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल कोटेक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एचटीएमएल ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर का ये सातवां वीडियो दोस्तों, जिसके अंदर मैं आप लोग को सिखाने वाला हूँ एचटीएमएल क्यूटेशन। दोस्तों हाँ जी दोस्तों, एचटीएमएल क्यूटेशन सिखाऊंगा। इसके अंदर क्यूटेशन क्वोटेशन क्या होता है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आप इस चैनल पर नया हो तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक लीजिए दोस्तों। और बहुत लोगों ने अभी तक वीडियो को बुकमार्क नहीं किया तो दोस्तों प्लीज वीडियो पे क्लिक कीजिए दोस्तों। और मैं वीडियो के नीचे ही प्लेलिस्ट का लिंक देता हूं दोस्तों, आप उस पे लिंक पे क्लिक कीजिए और आप प्लेलिस्ट पे जाइए, वहां पे बुकमार्क कर लीजिए। चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो बात करते हैं हम लोग क्यूटेशन के बारे में दोस्तों। तो क्यूटेशन के अंदर देखो आप लोग, बहुत सारे क्यूटेशन के एलिमेंट्स है दोस्तों। तो हम लोग यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है, जो हम लोग यूज करते हैं एचटीएमएल टैग के अंदर, हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो हम लोग यहाँ पे दो ही क्यूटेशन को यूज करते हैं, एक होता है हमारा क्यू टैग और एक होता है अपर टैग। तो चलिए दोस्तों हम लोग क्यू टैग और अपर टैग के बारे में बात कर लेते हैं। तो क्यू टैग क्या काम करता है वो पहले बात कर लेते हैं दोस्तों। तो क्यू टैग का काम है कि हम लोग जब भी आउटपुट बात कर लेते हैं, यहाँ पे आउटपुट पे हमारे, हमने यहाँ पे एक पैराग्राफ लिखा है दोस्तों और यहाँ पे मैंने क्यूटेशन यूज किया है दोस्तों, मतलब क्यू टैग यूज किया है। तो आप लोग देख सकते हो कि वर्ड के स्टार्टिंग में एक क्यूटेशन लग गया है और वर्ड के एंडिंग में क्यूटेशन लगा हुआ है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने बिल्डिंग यहाँ पे क्यू यूज किया है क्यूटेशन और एंडिंग में क्यूटेशन यूज किया है। तो मैं एक बार यहाँ पे पीपल में यूज करके दिखा देता हूँ आप लोग को। चलिए दोस्तों मैं यहाँ पे एक बार रन कर देता हूँ और रन करने के बाद आप लोग को चलिए दिखा देता हूँ। आप लोग देख सकते हो जैसे यहाँ पे पीपल लिखा हुआ है, तो यहाँ पे स्टार्टिंग में क्यूटेशन लग गया और एंडिंग में क्यूटेशन लग गया दोस्तों। तो आप लोग को समझ में आ गया कि क्यू टैग किस तरह यूज किया जाता है। चलिए दोस्तों आप लोग नेक्स्ट में देख लेते हैं हमारा अपेयर। अभी अपेयर किस तरह काम करता है वो देख लेते हैं हम लोग। सॉरी दोस्तों, अभी हमारा अपेयर देखो क्या काम करता है वो बता देता हूँ दोस्तों। देखिए हम लोग जब भी कोई पैराग्राफ लिखेंगे उसमें अपेयर लिख के टाइटल दे देंगे। मतलब ये क्या काम करेगा कि हम लोग कोई भी पैराग्राफ के अंदर हम लोग शॉर्टकट लिखते हैं, जैसे कि WH लिखे, तो इसके ऊपर जैसे ही माउस को ओवर करेंगे दोस्तों तो ये हमको फुल फॉर्म शो करके दिखाएगा नीचे। तो चलिए दोस्तों लोग देख लेते हैं एक बार इसका आउटपुट। यहाँ पे मैंने अपेयर टाइटल और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लिखा हुआ है। अब जैसे मैं आउटपुट में हम लोग आते हैं दोस्तों, तो WHS दिख रहा है आप लोग को, यहाँ पे डॉट डॉट दिख रहा है। जैसे ही माउस को इसके ऊपर लेके जाओगे दोस्तों तो आपके सामने ये नीचे ओवर करके आपको शो करेगा इसका फुल फॉर्म, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों। चलिए दोस्तों यार को समझ में आ गया है कि अपेयर टाइटल्स और क्यूटेशन कैसे यूज करते हैं और कहाँ यूज करते हैं और कहाँ ये यूज ज्यादा करके होगा। तो आप लोग को ये समझ में आ गया होगा क्यूटेशन के बारे में। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि कमेंट्स क्या होते हैं और कलर्स क्या होते हैं, कैसे यूज किए जाते हैं, कमेंट्स कहाँ पे लगाए जाते हैं और सिंगल लाइन कमेंट क्या होते हैं, मल्टी लाइन कमेंट्स क्या होते हैं, सारी चीजें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए दोस्तों बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो और हाँ, अगर किसी ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज जाइए मेरे चैनल को और क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।